नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली के रूप में भोपाल से राजघाट के लिए यात्रा चली थी। अब हम बात करते हैं, पूछते हैं अधिकारियों से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, विस्तार से थोड़ा बताएंगे सर इसके बारे में। इस साइकिल रैली का आयोजन भोपाल से किया गया है। इस साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ 22 तारीख को मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया। यह साइकिल रैली कुल 957 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन राजघाट दिल्ली पर इसका समापन होगा। इस साइकिल रैली के माध्यम से हम सभी जनमानस को फिटनेस का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सभी सरकारी नीतियों के बारे में अवेयर करने का हमारा मेन लक्ष्य है। और इस साइकिल रैली से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि साइकिलिंग एक सबसे अच्छा माध्यम है फिट रहने के लिए। आप आर्मी में जो नए बच्चे अभी शिक्षित हो रहे हैं, हाई स्कूल इंटर कर रही है जिसने, इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे इन तैयारी करें, कैसे भर्ती हों आर्मी में, थोड़ा टिप्स बताएंगे आप? इसके लिए मैं सभी बच्चों से या सभी युवाओं से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि अवेयर बने, जागरूक बने। जागरूक बनने के लिए आपके पास में आज के समय में मोबाइल एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम मोबाइल का सही इस्तेमाल करें एवं मोबाइल में जो भी हमारी क्वेरी है, हम उसे संबंधित वीडियोस देख के आपको हर किसी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के समय में जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, अब हर बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, तो इससे नुकसान भी है। तो आप बच्चों से क्या शब्द कहना चाहते हैं, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में एक कुछ दिशा बनाएं और उस दिशा की ओर हमेशा अग्रसर रहें। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए करें, हो सके जितना कम से कम हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा कामों के लिए, उतना हमारा ध्यान पढ़ाई पे लगा रहेगा और उस तरीके से हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। धन्यवाद सर।